सो हेलो गाइज, मेरा नाम जीवन कुमार है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्टमन। सो गाइज, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए। क्योंकि कई बार हम लोग अपनी यूट्यूब वीडियो को बनाते होते हैं तो हमें वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो हमें लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन की जोड़ी पड़ जाते हैं। तो आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, बट वो पेड या फिर लिमिटेड होता है। मतलब कि आप लोग उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए 5 से 6 मिनट तक ही वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, उस एप्लीकेशन के जरिए आप लोग अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, प्लस फुल HD में भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो जानना चाहते हो कौन सा एप्लीकेशन है, उसे कैसे यूज करना है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आप लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपली से आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कैप्चर स्क्रीन रिकॉर्डर। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली से थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिल जाते हैं जो जिसका नाम है टूल रॉकेट। बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने 2-3 सेकंड का वेट करना, फिर आपके सामने इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर विदाउट वाटर मार्क, मतलब कि आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डर में कोई वाटर मार्क भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं और भी नीचे करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैप्चर स्क्रीन रिकॉर्डर का जो काफ़ी सारे फीचर हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपली से ऊपर आ जाना है सबसे ऊपर में। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है फ्री डाउनलोड, बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 2-3 सेकंड का वेट कर लेना है, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया है। अब हम इसको कट करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपके सामने जो होम पेज पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। बस आपको इस एप्लीकेशन को सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 सेकंड तक वेट कर लेना है। इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है मोड, मतलब कि आप लोग स्क्रीन को जो रिकॉर्ड करोगे कितना साइज में करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फुल स्क्रीन, एरिया, गेम और कैमरा। तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ जो कि ऑलरेडी क्लिक है। सेकंड ऑप्शन आता है ऑडियो, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भी 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन, मतलब कि आप जो बोलोगे वो भी रिकॉर्ड होगा, और डिस्प्ले पर भी जो कोई वीडियो प्ले करोगे उसका भी ऑडियो रिकॉर्ड होगा। सेकेंड ऑप्शन है सिस्टम साउंड ओनली, मतलब कि आपके लैपटॉप में जो भी साउंड प्ले होगा वो सब रिकॉर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन है माइक्रोफोन ओनली, मतलब आप जो बोलोगे वही आवाज़ रिकॉर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन है, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन है म्यूट, मतलब कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। और फाइव्थ ऑप्शन है कस्टमाइजेशन, तो इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है। अगर आपके पास माइक है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, मेरे पास माइक नहीं है तो मैं यहाँ से इसको मैं छोड़ देता हूँ। थर्ड ऑप्शन आता है क्वालिटी, यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो हाईएस्ट, सिंपल डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन। तो यहाँ से आपको HD पर क्लिक कर देना जो कि ऑलरेडी क्लिक है। फोर्थ ऑप्शन आता है फॉर्मेट, बस आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आता है जो AVI, MP4 और FLV। तो मोबाइल फ़ोन के लिए MP4 होता है तो MP4 पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है कैमरा, अगर आपके पास कोई कैमरा वैमरा अगर इसमें इंपोर्ट किए हो तो आप लोग कैमरा को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एक फोल्डर आता है, मतलब इस वीडियो को आप कहाँ स्टोर करना चाहोगे वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। बस इतना कुछ कर लेने के बाद चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि इस एप्लीकेशन से कैसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो निकल के आती है। तो उसके लिए आपको लैपटॉप के कीवर्ड में Alt+F1 को भी दबा करके इसको स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये हाइड भी हो चुका है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ कुछ फाइल मैनेजर को ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ों को ओपन करके दिखाता हूँ, बस आपको बताने के लिए कि इस एप्लीकेशन से कैसा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है।
तो यहाँ से मैं माई यूट्यूब वीडियो पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मास्टर माइंड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मेरे सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो मैंने लैपटॉप में स्टोर करके रखा है। अब यहाँ से मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को स्टॉप करके उसके बाद मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद प्यूज और स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो सिर्फ स्टॉप होगा, और यहाँ पर क्लिक करोगे ये वीडियो स्टॉप होकर आपके फोल्डर में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसका नाम जो यहाँ पर आ चुका है 2.69 MB का है, डेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो प्ले करने के लिए आपको माउस के जो लेफ्ट बटन होता है उस पर डबल टैप करना है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो प्ले होने लग गया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में आता है, और इसमें कोई लैग वुक भी नहीं है, प्लस एकदम अच्छी क्वालिटी में हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है वो फाइनली यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे आप नीचे कमेंट बताएं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को समाप्त करते हैं।